नालंदा महाविहार प्रवेश द्वार, वह चल सकता है, इतनी चौड़ी दीवारें होती थी। और दोस्तों पूरे नालंदा बिहार को ब्लॉक वाइज डिवाइड किया गया था, सुरंग के जरिए दो रूमों को यहाँ पर अटैच किया गया है। यहाँ पर भट्टी बनाए गए हैं, 6 भट्टी हैं। बच्चे हाय कर दीजिए। बहुत दोस्तों कुछ ही दिनों में नया साल शुरू होने वाला है। हम 2022 से 2023 में प्रवेश करने वाले हैं और नए साल के मौके पर आप घूमने का प्लान कर रहे होंगे, क्योंकि नए साल का जो जश्न उत्साह होता है वो जबरदस्त होता है और कुछ भी नयापन हो, परिवर्तन होना लाजमी है। नए साल के मौके पर हम भारत दर्शन ब्लॉग पर बाउंस बैक करने वाले हैं, जबरदस्त यात्रा दिखाने वाले हैं। दोस्तों यात्रा के पहले चरण में हम बिहार का सबसे फेमस जगह राजगीर और नालंदा की यात्रा करेंगे और अभी हम नालंदा आए हैं। दुनिया के सबसे पुरातन, सबसे विशाल आवासीय विश्वविद्यालय, जहां पर 10,000 स्टूडेंट्स पढ़ते थे, 1,500 टीचर यहां पर पढ़ाते थे, उसका खंडहर आज मात्र बचा है। पूरा खंडहर आज हम आपको दिखाएंगे और खंडहर दिखाने का जो हमारा मकसद है वो ये है कि हमारे देश के प्रति जो हमारा गौरव है, देश के प्रति जो हमारा सम्मान है वो कभी कम न होने पाए। अगर कम हो गया तो इसी तरह नरभक्षी आते रहेंगे, हमारे देश के साथ, हमारी संस्कृति के साथ खिलवाड़ करते रहेंगे। तो चलिए शानदार यात्रा नालंदा विश्वविद्यालय खंडहर की शुरू करते हैं। दोस्तों बिल्कुल सामने आप देख रहे हैं नालंदा महाविहार प्रवेश द्वार और एंट्री शुल्क 40 रुपये आपको टिकट लगता है वयस्क के लिए, बच्चों के लिए फ्री है 15 साल तक। कैमरा शुल्क 25 रुपया है और अंदर में आपको टिकट मिलेगा। आप यहां पर ऑनलाइन टिकट भी ले सकते हैं स्कैन करके पेटीएम या फोन पे के जरिए। और बिल्कुल सामने आप देखिए टिकट काउंटर। वीडियोग्राफी यहीं तक, अंदर नहीं करना है। अच्छा, टिकट लेने के बाद यहां पर आपको टिकट चेक करवाना है। दोस्तों अब हम नालंदा महाविहार के अंदर आ चुके हैं और विस्तृत एरिया में फैले नालंदा खंडहर की पूरी यात्रा करने से पहले यहां का इतिहास के बारे में हम आपको बता देते हैं। अगर लंबाई की बात किया जाए तो पूरे 9 किलोमीटर लंबाई थी इस यूनिवर्सिटी की, चौड़ाई 5 किलोमीटर थी। तो आप इसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी एरिया में फैला हुआ होगा नालंदा यूनिवर्सिटी, दुनिया की सबसे लंबी आवासीय विश्वविद्यालय। दोस्तों और इसके बारे में पता कब चला, 1812 में। उसके पहले तक ये बिल्कुल दफन हो गया था। जब बख्तियार खिलजी ने इसे पूरे तरह से जला करके नाश कर दिया था तो ये दफन हो गया था, किसी को नहीं पता था। और पता किसके जरिए चला, तो वेनसांग जब आया था यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने के लिए तो उसकी लिखी गई किताब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में मिली। उस किताब के जरिए 1812 में पता चला इस यूनिवर्सिटी की विशालता के बारे में, इसकी भव्यता के बारे में। और जो खुदाई शुरू हुई 1815 से 1837 के बीच में, तो मात्र 10 या 15% खुदाई में जो निकली हुई चीज़ें मिली उसके आधार पर इसके बारे में पता चला। बाकी अभी 80% खुदाई बाकी है, तो बहुत सारे रहस्य अभी अनविल होने बाकी हैं। और ज़मीन के अंदर जो चीज़ें निकली हैं खुदाई में, उनको यहाँ पर फोटोग्राफी के जरिए दिखाया गया है। दोस्तों राइट साइड में ये चीज़ें लाइन से आपको देखने को मिलेगी। 1918 में खुदाई भइल बा, देखा ही पूरा ये पूरा प्लेन रही, खेत रहे ऊपर। 16 से 18 दो साल खुदाई भइल बा। ये मंदिर की संरचना को आप फोटोग्राफी के जरिए देख रहे होंगे। और बिल्कुल सामने आप देखिए गेट नंबर 2। और गेट नंबर 2 से जैसे आप एंटर करेंगे लेफ्ट साइड में पेयजल और टॉयलेट की सुविधा है। और नालंदा महाविहार की यात्रा करने से पहले इसके इतिहास के बारे में आप देख सकते हैं बिल्कुल सामने। और यहाँ से पूरा नालंदा यूनिवर्सिटी का जो खंडहर है आपको दिखाने वाले हैं, हमारे प्राचीन बिहार के गौरव के अवशेष को आपको दिखाने वाले हैं,
कितना समृद्ध सभ्यता था, संस्कृति थी, शिक्षा का कितना बड़ा केंद्र था हमारा बिहार, उसका आप एक झलक देखेंगे और आपको गर्व महसूस होगा। तो चलिए शानदार यात्रा नालंदा महाविहार की यहाँ मेन प्रवेश द्वार से शुरू करते हैं। जैसे ही आप नालंदा विश्वविद्यालय खंडहर मेन प्रवेश द्वार से इंटर करेंगे, आपको मिलेगा बिहार संख्या 5। वैसे विश्वविद्यालय में कुल 13 बिहार खुदाई में मिले हैं। जैसे जैसे खुदाई में मिले हैं वैसे उनका निर्धारण हुआ है। तो अभी हम आपको दिखाएंगे बिहार संख्या 5। बिहार संख्या 5 के उत्तर दक्षिण भुजा में 3-3 क्लास हैं, जबकि पूर्वी भुजा में 8-8 क्लासों की 2 पंक्तियां हैं। कुछ के सामने बरामदा है, कुछ आपस में जुड़े हुए हैं। और सबसे बड़ी बात बिहार संख्या 5 की, यहां पर कोई मंदिर नहीं है और ये गुप्त वंश में बनाए गए थे। और अब हम आपको दिखा रहे हैं नालंदा विश्वविद्यालय के मोटे मोटे लंबे लंबे दीवाल जिस पर ट्रक बस चल सकता है। इतनी चौड़ी दीवालें होती थी, लगभग 10 फीट चौड़ी दीवालें। और आप 1800 साल पहले की ईंटों को देख रहे होंगे, आज के जमाने से 2 गुनी लंबाई और 2 गुनी चौड़ाई होती थी ईंटों की, और बहुत मजबूत ईंटें बनती थी। उसका नमूना आप देख रहे होंगे, दीवालें भी काफ़ी मजबूत बनती थीं। 9 किलोमीटर लंबाई में और 5 किलोमीटर चौड़ाई यह विश्वविद्यालय काफ़ी वेल डेवलप्ड था और स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना था। इसका पूरा परिसर एक विशाल दीवार से घिरा हुआ था जिसमें प्रवेश करने के लिए एक मुख्य द्वार हुआ करता था। उत्तर से दक्षिण की ओर मठों की पंक्तियाँ थी और उसके सामने अनेक भव्य स्तूप और मंदिर हुआ करते थे। और यहाँ विश्वविद्यालय में आज भी घूमने के लिए देश दुनिया से लाखों लोग आते हैं। आप देख रहे हैं हजारों की भीड़। लेफ्ट साइड में बिहार 1A 1B मंदिर भी है, आपको दिखाते हैं अवशेष। बिल्कुल सामने आप देखिए बिहार संख्या 1, और सभी बिहारों में सबसे महत्वपूर्ण बिहार था, सबसे पहले इसी की खुदाई हुई थी। चलिए नालंदा खंडहर बिहार नंबर 1 में प्रवेश करते हैं। दोस्तों यहाँ पर खुदाई में 2 मंदिर मिले हैं, एक तो चौकोर मंदिर है और एक गुप्तकालीन मंदिर भी है दोस्तों। और इसका जो निर्माण काल है, प्राप्त स्रोतों के अनुसार, खुदाई के स्रोतों के अनुसार जो है 6वीं शताब्दी ईस्वी में हुआ था। और इसका जो डेवलपमेंट है वो बाद के वर्षों में चलता रहा। और यहाँ पर जो कमरे बनाए जाते थे बिल्कुल लाइन से और बरामदों से सटे हुए कमरे होते थे। और ये आप देखिए अंदर चल करके आपको दिखा रहे हैं कितना सुव्यवस्थित रूम पहले बनता था। और एक रूम से दो रूम, दूसरे रूम में जाने के लिए ये आप देख रहे हैं सुरंग। और कितनी चौड़ी दीवार है, ये भी 10 फीट से ज्यादा चौड़ी दीवार है दोस्तों। उस साइड में एक और रूम है। और बिहार 1 में जो कमरे हैं 2 फ्लोर के बनते थे, सेकंड फ्लोर में 34 कमरे मिले हैं दोस्तों। और दोस्तों पूरे नालंदा बिहार को ब्लॉक वाइज डिवाइड किया गया था। एक ब्लॉक में 35 स्टूडेंट्स रहते थे और एक कमरे में ओनली 1 स्टूडेंट, और एक ही सब्जेक्ट के विद्यार्थी रहते थे। अगर हिस्ट्री तो केवल हिस्ट्री, ऐसा नहीं, मिक्सिंग नहीं होता था। और दोस्तों यहाँ हर ब्लॉक में एक पूजा रूम होता था, एक कुआं होता था, एक स्टोर रूम होता था जहाँ पर सामान रखे जाते थे। और ये सामने जो जगह आप देख रहे हैं यहाँ पर बच्चे पढ़ा करते थे। दोस्तों अब हम बिहार नंबर 1 से बाहर आ चुके हैं और अंदर के कमरे, स्टोर रूम और मंदिर वगैरह देख करके, उनकी संरचना को देखकर बिल्कुल हम अचंभित हो गए हैं। और अभी तो हमारी यात्रा की शुरुआत है, आप आगे देखते जाइए यहाँ नालंदा महाविहार के अवशेष। और बिल्कुल सामने आप देख रहे हैं मंदिर संख्या 3। मंदिर संख्या 3 जो सामने आप देख रहे हैं नालंदा खंडहर का सबसे भव्य खूबसूरत जगह था। इसमें निर्माण के 7 चरण पाए गए हैं, लेकिन शुरुआती के 3 चरण काफी छोटे थे इसलिए उन्हें ढक दिया गया है। और जो बाकी 4 चरण हैं व्यापक संरचनाओं से युक्त हैं जिन्हें आप अभी देख रहे होंगे।
बोल दे। नालंदा विश्वविद्यालय की खुदाई में अब तक 13 मठ मिले हैं जो कि एक से अधिक फ्लोर्स के होते थे। कमरे में सोने के लिए पत्थर की चौकी होती थी, दीपक पुस्तक रखने के लिए आले बने हुए थे। प्रत्येक मठ के आंगन में कुआं बना था। केंद्रीय विद्यालय में 7 बड़े कक्ष थे, इसके अलावा 300 अन्य कमरे थे जिसमें व्याख्यान हुआ करता था। 8 विशाल भवन, 10 मंदिर जिसमें भगवान के बुद्ध के मूर्ति होते थे, प्रार्थना कक्ष, अध्ययन कक्ष, सुंदर बगीचे और झीलें भी हुआ करती थी। आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना भव्य रहा होगा नालंदा विश्वविद्यालय। और दोस्तों, बिल्कुल सामने आप देख रहे हैं समाधि स्थल नालंदा महाविहार के अंतर्गत। जो भी टीचर्स बूढ़े हो जाने के बाद मर जाते थे तो यहीं पर एक स्पेसिफाइड प्लेस पर उनको समाधि दी जाती थी। उनके अवशेष यहाँ पर आप देख रहे होंगे। और ये आप देख रहे हैं मनौती स्तूप। और नालंदा विश्वविद्यालय में बड़े बड़े मंदिर हुआ करते थे। एक मंदिर आप देख रहे हैं जिसमें भगवान बुद्ध की मूर्तियां रखी जाती थी। और अब हम पहुंच चुके हैं बिहार संख्या 6, मोनेस्ट्री नंबर 6। बिहार में प्रवेश करने से पहले दोनों तरफ देवालय होता था, जहां पर प्रार्थना पूजा करने के बाद बच्चे अंदर जाते थे, अपने कमरों में जाते थे। और ये जो बिहार है पूर्ववर्ती अवशेष पर बना है। आप ध्यान से देखेंगे आपको पता चल जाएगा, चारों तरफ आवासीय कमरे हैं। ये देवालय का अवशेष सामने आप देख रहे हैं, मंदिर का अवशेष। और बिल्कुल सामने आप देख रहे हैं कुआं पानी निकालने के लिए। बिल्कुल सामने आप देख रहे हैं बिहार संख्या 7। और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं छोटे छोटे कमरे चारों तरफ से। दोस्तों, अभी हम आपको दिखा रहे हैं प्राचीन बिहार के गौरव नालंदा यूनिवर्सिटी के खंडहर के अवशेष। दोस्तों, आपके मन में एक प्रश्न होगा कि जो विदेशी आए लूटमार करने के लिए या राज करने के लिए, आखिर उन्होंने शिक्षा के मंदिर को क्यों ध्वस्त किया? शिक्षा के मंदिर ने उनका क्या बिगाड़ा था? आपका मन में एक प्रश्न होगा। दोस्तों, अगर किसी देश की सभ्यता को, वहाँ की संस्कृति को नष्ट करना है, वहाँ के धर्म को नष्ट करना है, तो वहाँ के विद्या के मंदिर को ध्वस्त कर दो। उन्होंने वही किया। हालांकि यहाँ यूनिवर्सिटी को 2 बार ध्वस्त करने का प्रयास किया गया, उसे रिबिल्ड किया गया, लेकिन बख्तियार खिलजी ने पूरी तरह से इसे ध्वस्त कर दिया। उस समय का दृश्य को आप अगर कल्पना करेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जब वो आया था यहाँ पर अटैक करने के लिए, यहाँ पर जो भी स्टूडेंट्स थे, जो भी टीचर थे, जो पूरे दुनिया से आए थे पढ़ाई करने के लिए, जो बौद्ध भिक्षु यहाँ पर रहते थे, रह करके पढ़ाई करते थे, जीवन का लक्ष्य निर्वाण प्राप्ति था। हालांकि वो अलग अलग तरह के सब्जेक्ट पढ़ते थे, पर मेन लक्ष्य निर्वाण था, शांति था। उन्हें बेरहमी से कत्ल कर दिया गया, सामूहिक रूप से हत्या कर दी गई। इतना विभत्स राक्षस पैदा हुआ, उसका हाथ नहीं कांपा, उसके रोंगटे खड़े नहीं हुए। निर्दोष लोगों को चांद से मार दिया गया और यहाँ के पूरे यूनिवर्सिटी में, लाइब्रेरी में आग लगा दी गई। और ये बिल्कुल सामने आप देखिए बिहार संख्या 8। चलिए बिहार के अंदर प्रवेश करते हैं। और यहाँ का हॉस्टल, यहाँ का कमरा, यहाँ का कोर्टयार्ड सब दिखाते हैं आपको। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं चारों तरफ बिल्कुल सिस्टमैटिक वे में कमरे बनाए गए हैं। सिस्टमैटिक वे में यहाँ पर देव स्थान बनाए गए हैं, जहाँ पर बच्चे पूजा करते थे, प्रार्थना करते थे। और ये आप देखिए कुआं, एक कमरा आपको दिखा देते हैं। सभी कमरे एक तरह के ही बने हुए हैं। और एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने का रास्ता है, यानी कि एक सुरंग के जरिए 2 रूमों को यहाँ पर अटैच किया गया है। अब बीच में चैत्य बनाया गया है, मेडिटेशन रूम बनाए गए हैं। बिल्कुल अंधेरा हो, बिल्कुल शांति हो। और बिल्कुल सामने आप देख रहे हैं बिहार संख्या 9।
इस सामने जो बिहार आप देख रहे हैं इसमें 34 कक्ष हैं और रोशनदान वगैरह बिहार संख्या 4 की तरह ही है, मंदिर वगैरह। और यहाँ पर भट्टी बनाए गए हैं, 6 भट्टी हैं, चूल्हा हैं जिसमें खाना बनाया जाता था या प्रयोग के लिए इस्तेमाल किया जाता था। यहाँ पर भी कुआं सामने आप देख रहे हैं। बिहार संख्या 10 मोनेस्ट्री नंबर 10 किस तरह के कमरे बनाए गए हैं, सीढ़ियाँ बनाई गई हैं, देवालय बनाए गए हैं, पूरा डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हैं यहाँ पर। तब आपको घूमने में मजा आएगा, आपको बातें सब समझ में आएंगी। नालंदा विश्वविद्यालय बुद्धा स्टडी का प्रमुख केंद्र था और इसमें असंघ तथा धर्म कृति की रचनाओं का विस्तार से अध्ययन होता था। इसमें वेद वेदांत और सांख्य भी पढ़ाए जाते थे। इसके अलावा व्याकरण, दर्शन, शल्य विद्या, ज्योतिष, योग शास्त्र तथा चिकित्सा शास्त्र भी पढ़ाए जाते थे। और यहाँ पर धातु की मूर्तियाँ बनाने के विज्ञान का भी अध्ययन होता था और खगोल शास्त्र अध्ययन के लिए एक विशेष विभाग अलग से था दोस्तों। और यहाँ पर आप देख रहे हैं स्कूल के बच्चे घूमने के बाद वापस जा रहे हैं। कैसा लगा घूमकर? सर आप कहाँ से आए बच्चों को घुमाने के लिए? बेला गया डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, तो बच्चों को आपने क्या क्या दिखाया? बच्चों को दिखाया यूनिवर्सिटी को, यहाँ पर बच्चे देखे कमरा किस प्रकार स्टूडेंट रहा करते थे, ज्यादा दूर के जो स्टूडेंट होते थे उनके सारे मतलब मृत्यु हो जाने पर उनका स्मारक बना दिया गया जो उस बच्चों को दिखाए, और सारे क्लासरूम दिखाए, कुआं, अनाज घर, ठीक है, यही सब बहुत सारी चीज। तो बच्चों को आप क्या प्रेरणा देंगे ये दिखाकर? बच्चों को यही प्रेरणा देंगे कि हम लोग को ये विरासत को बचा कर रखना है, संजो कर रखना है और इसको हम लोग को निरंतर जारी रखना है। चलिए ठीक है सर, बच्चे हाय कर दीजिए। बहुत बच्चे, नालंदा यूनिवर्सिटी का जो अवशेष है उसका प्लान आप देख रहे होंगे। दोस्तों आज हमने आपको दिखाया बिहार ही नहीं पूरे देश का गौरव, दुनिया का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा यूनिवर्सिटी के अवशेष। घूमकर हमें काफ़ी अच्छा लगा और उस समय की शिक्षा पद्धति कैसी थी उसका एहसास हुआ कि दुनिया के स्टूडेंट्स यहाँ पर आते थे पढ़ाई करने के लिए, लेकिन आज की शिक्षा पद्धति को देखिए कि यहाँ के लोग विदेश में जा रहे हैं। आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि हमारी यात्रा आपको कैसी लगी।